हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रिक्रूटमेंट लेके आ रहा हूँ। नई वैकेंसीज आउट हुई हैं, नया रिक्रूटमेंट है, डिटेल में डिस्कस करेंगे किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या आपका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो डिटेल से इस वीडियो को देखना जिससे कि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले या फिर भरने के बाद में कोई दिक्कत ना रहे, आप पूरे अपने प्रिपरेशन पर फोकस कर सको, ठीक है। तो उससे पहले दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा चीज मिस कर रहे हो, इसलिए अभी से सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। चाहे किसी से भी रिलेटेड हो गया, चाहे जॉब से रिलेटेड हो गया, चाहे नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो गया, चाहे एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो गया, कुछ भी से रिलेटेड हो गया, आपको यहां पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेक श्योर उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लेना जिससे कि आपको कोई भी चीज मिस ना हो जो हमारी साइड से डिलीवर की जाए, ठीक है। चलो मुद्दे पर आता हूं, आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड बात बताता हूं कि क्या क्या इस रिक्रूटमेंट में आपका होने वाला है। देखो यार, इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी है, जनरल ग्रेजुएट भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, बी बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, और आपकी जो बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, सब स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। बीए बीई बीटेक वाले जो स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस, इन सभी लोगों के लिए और सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से वैकेंसीज आउट हुई हैं, ठीक है। तो उनके लिए अलग से वैकेंसीज देखेंगे, और जो जनरल रिक्रूटमेंट है जो उनके लिए अलग से वैकेंसीज हैं तो उनको अलग से देखने वाले हम, ठीक है। तो पूरा डिटेल से देखना, पूरी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करने वाला हूं। अगर आपको छोटे धीरे से बोल रहा हूं मैं ऐसा लग रहा हो तो आप इसको वीडियो की स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हो जिससे कि आपको जल्दी से देख सकते हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलो अब मुद्दे पर आता हूं और आपको मैं नोटिफिकेशन पढ़ के बताता हूं। सारे कटआउट मैं यहां पर लगाता रहूंगा तो आप उनको देखते रहना कि क्या क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मैं देख के बताता हूं आपको क्या क्या दे रखा है। देखो ये वैकेंसीज आपकी नाबार्ड की तरफ से निकल के आई है। नाबार्ड आपको पता ही होगा, उसकी फुल फॉर्म में क्या ही बताऊं, फिर भी आपको बता देता हूं कि अगर आपको ना पता हो। देखो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए वैकेंसीज हैं, उस बैंक की तरफ से आपकी वैकेंसीज आने वाली है। पूरी टोटल ये वाला जो रिक्रूटमेंट आउट हुआ है उसी वैकेंसी से हुआ है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 2 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसकी लास्ट डेट से पहले मेक श्योर जरूर से भर देना, वरना आप दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। तो देखो 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है, तो उससे पहले जरूर भरना है आपको। टोटल वैकेंसीज आप देखोगे तो 150 के आसपास आपकी वैकेंसीज हैं, अलग अलग इसने उन्हें बांट रखा है। जनरल वैकेंसीज हैं जिसमें हर एक कोई ग्रेजुएट डाल सकता है, वो 31 वैकेंसीज, टोटल 77 वैकेंसीज हैं आपकी। कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जो आपकी वैकेंसीज हैं 40 वैकेंसीज हैं, 40 वैकेंसीज बहुत सारी वैकेंसीज हैं। उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसीज हैं, फूड प्रोसेसिंग की 2 वैकेंसीज हैं, स्टैटिक्स की 2 वैकेंसीज हैं, मास कम्युनिकेशन मीडिया कम्युनिकेशन की 1 वैकेंसी है। टोटल मिला के 150 वैकेंसीज आपकी हो जाती है, ठीक है। अब देखो एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं बता देता हूं और यहां पे साइड में लगा देता हूं। देखो यहां पे लिख रखा है कि जनरल जो आपका रिक्रूटमेंट निकला है उसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो कोई से भी कहीं से भी आपने कर रखी है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर डेट पोस्ट। अब फाइनेंस की बात करूँ तो उसमें आपकी देखो बीबीए होनी चाहिए, बैचलर्स ऑफ आपकी बिजनेस अकाउंटेंसी वाली बीबीए होनी चाहिए। उसमें आपके परसेंटेज वाइज रखें कि मिनिमम आपके 60% होने चाहिए अनरिजर्व्ड में हो तो, ठीक है। और उसके साथ में अगर आपके पास में डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है मैनेजमेंट में, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। एमबीए हो तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर उसके बाद में कंप्यूटर साइंस के लिए बीटेक हो कंप्यूटर साइंस में, और आपके साथ में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमटेक भी है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। बीसीए वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, तो ये सब कुछ मेंशन कर रखा है इन्होंने। सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रखी है अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से, आप एलिजिबल हो जाओगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने बीटेक कर रखी है तो इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अगर जियो इन्फॉर्मेटिक्स की जो वैकेंसीज हैं उसमें अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है या फिर बीएससी डिग्री ले रखी है तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। ऐसे ही फॉरेस्ट्री में अगर आपने बैचलर्स डिग्री ले रखी है फॉरेस्ट्री में तो आप एलिजिबल हो जाओगे। मतलब जो भी इसकी वैकेंसीज हैं उसके रिस्पेक्टिव अगर आपने बैचलर्स की डिग्री ले रखी है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। ऐसे ही स्टैटिक्स में आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं, टोटल इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे दे भी रखा है कि अगर आपके पास में इसके अलावा भी स्किल सेट कुछ दे रखे हैं वो हैं तो आप ज़्यादा एलिजिबल होगे। ज़्यादा का मतलब है कि आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी इंटरव्यूज़ में, ठीक है। अब देखो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। वैसे एज क्राइटेरिया इसका 21 साल से लेकर 30 साल तक होने वाला है फॉर अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, एससी एसटी वाले कैंडिडेट को 5 साल का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक भी आपको समझ में आ रहा है। अब मैं आपको पूरा जो मेन बात है सिलेक्शन प्रोसीजर उसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो यार इसमें आपके 3 स्टेज होने वाली है, पहली प्रीलिम स्टेज, सेकंड मेंस स्टेज, थर्ड इंटरव्यू स्टेज, जो कि मेनली जो हार्डली जो आपके बैंक में होती है वही देखने को मिलेगी। प्रीलिम्स में आपके 8 सब्जेक्ट आने वाले हैं,
थोड़ा थोड़ा वेटेज है डेफिनेटली सबका। रीजनिंग का टेस्ट होगा, इंग्लिश का टेस्ट होगा, कंप्यूटर साइंस का टेस्ट होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, डिसीजन मेकिंग का टेस्ट होगा, अवेयरनेस का टेस्ट होगा आपका, उसके बाद में इको एंड सोशल इशूज़ का टेस्ट होगा, एग्रीकल्चरल और एंड रूरल डेवलपमेंट का आपका टेस्ट होने वाला है। टोटल इनका मेंशन कर रखा है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होगी इसमें, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो होती है इसमें। उसके बाद में मेंस का एग्जाम है, उसमें पेपर दो आएंगे, पेपर वन एंड पेपर टू। उस पेपर में देखो, अगर आपने जनरल में भर रखा है तो आपका जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा और इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा। अगर आपने किसी स्पेशलिस्ट में भर रखा है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में भर रखा है, सिविल में भर रखा है और आपकी इकोनॉमिक्स में भर रखा है, और जो आपका सिविल के अलावा इलेक्ट्रिकल में हो गया, तो उसके लिए डेफिनेटली अलग से आपका एग्जाम होगा, जो कि एक इंग्लिश का पेपर होगा, दूसरा वाला पेपर आपका जो भी टेक्निकल है उसके रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। फिर तीसरी स्टेज 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है। ये पूरी तीन स्टेज के बाद में आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो लगाई जाएगी, उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। ये हो जाता है, सिलेबस भी मेंशन कर रखा है, तो एक बार आपको भरने से पहले इस पूरे नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लेना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। और सेंटर वगैरह देखो, आप जो भरोगे वो आसपास ही होने वाला है। मेन इंपॉर्टेंट बात, अब इसकी जो एप्लीकेशन फीस है, देखो यार, बैंक तो भर भर के लूटते हैं एप्लीकेशन फीस के नाम पे, तो इन्होंने डेफिनेटली बहुत ज्यादा फीस कर रखी है। 850 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट, और जो कैंडिडेट एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आ रहे हैं उनसे भी फीस ले रखी है इन्होंने 150 रुपीज। तो फीस तो बहुत भयंकर कर रखी है, तो इतना आपका रिक्रूटमेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपकी 60-70% भी प्रिपरेशन है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डेफिनेटली भरने चाहिए, ठीक है। तो यही आपके लिए रिक्रूटमेंट था, जो कि आपका नाबार्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट आया था, जो कि जनरल बीएससी और जो ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी है। स्पेशलिस्ट कैंडिडेट जो कि बीई बीटेक, जिसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल और आपके उसके बाद में आपकी जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल होने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस की भी एज वेल वैकेंसीज हैं आपकी, ठीक है। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन है, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत आ रही हो, फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो, तो कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम में जाकर आपको टेलीग्राम मेरे को सेंड कर देना, हमारी टीम आपको जरूर रीच आउट करेगी, आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।